तो अब हम आ चुके हैं नंदगांव, जहाँ पर श्री कृष्ण रहा करते थे और यहाँ से ही वो जाते थे बरसाना श्री राधा जी से मिलने। अब यहाँ की गलियों में हम चल रहे हैं, ऊपर की ओर जाएंगे जहाँ पर वो मंदिर बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। मथुरा वृंदावन सीरीज के एपिसोड 14 में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे नंदगांव, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 9 साल 50 दिन का समय व्यतीत किया था। नंदगांव का जो मुख्य मंदिर है वो पहाड़ की चोटी पर स्थित है और नंदगांव का नाम रखा गया नंद बाबा के ऊपर, क्योंकि नंद बाबा ने इस गांव की स्थापना की थी। यहाँ पर भी बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, देखिए पीछे की साइड दिख रही होंगे आप, और ऊपर की साइड तो और भी काफी सारी हैं। यहाँ पर हमें काफी सारी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की ओर जाना होगा, जहाँ पर नंद बाबा का घर है, यानी कि जिस मंदिर में हम जा रहे हैं वो पुराने टाइम पर नंद बाबा का घर हुआ करता था, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 9 साल का समय व्यतीत किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर नंद बाबा ने अपना घर इतनी ऊंचाई पर जाकर क्यों बनाया। देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि है भगवान श्री कृष्ण की रक्षा करना। क्योंकि नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण के पिता थे, भले ही फॉस्टर फादर थे लेकिन थे तो पिता ही। तो जब कंस का आक्रमण बढ़ता गया, कंस के राक्षस बार बार श्री कृष्ण के ऊपर हमला करने आने लगे, तो नंद बाबा ने कृष्ण भगवान को बचाने के लिए नंद गांव जाकर अपना घर बनाया, जो कि पहाड़ की चोटी पर था, ताकि वहां तक कोई भी राक्षस आसानी से न पहुंच सके, और अगर पहुंचता भी है तो उनको पहाड़ की चोटी से वो दिखाई दे जाए। तो इस प्रकार नंद गांव की स्थापना हुई और यहां पर एक गांव बस गया। और अब हम पहुंच चुके हैं नंद बाबा के घर, यानी कि उस मंदिर में जहाँ पुराने टाइम पर नंद बाबा और भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे। पहले हमें अपने यहाँ चप्पल जूते बाहर की ओर खोलने होंगे और फिर अब हम चलेंगे मंदिर के ऊपर की ओर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पहले रहा करते थे। देखिए, इस मंदिर का मुख्य द्वार कुछ इस प्रकार दिखता है, लेकिन जिस रास्ते से हम यहाँ तक पहुँचे हैं वो रास्ता काफ़ी सुकड़ा है और बहुत ऊँचाई पर यह मंदिर स्थित है। तो अब चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। देखिए, यहाँ से आपको मेन गेट दिख रहा होगा, मंदिर का ये द्वार है जो कि यहाँ पर आपको शुरुआत में दिखाई देगा। और ये है मंदिर का पूरा प्रांगण, जहाँ पर नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण और यशोदा माँ रहा करते थे। मंदिर काफ़ी सुंदर है, काफ़ी भव्य है और काफ़ी साफ सुथरा है। आप यहाँ की साफ सफाई से ही देख पाएंगे। जो मंदिर है वो आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ से अब हम चलेंगे मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि ये पुराने टाइम पर नंद बाबा का घर हुआ करता था, तो इसका आर्किटेक्चर को देखिए और समझिए। ये पुराने टाइम का ही आर्किटेक्चर है, बस इसके ऊपर थोड़ा कलर कर दिया गया है, कुछ पेंटिंग्स बना दी गई हैं। तो चलिए अब करते हैं भगवान के दर्शन। यहाँ पर आपको भगवान कृष्ण अपनी पूरी फैमिली के साथ नजर आएंगे। यहाँ पर आपको यशोदा माँ, नंद बाबा और श्री बलराम और भी बहुत सारे फैमिली मेंबर एक साथ ही नजर आएंगे, जिनके दर्शन आप इस मंदिर में कर सकते हैं। तो अगर कुल मिलाकर कहें तो हमें यहाँ इस मंदिर में भगवान की पूरी फैमिली के दर्शन एक साथ करने को मिलते हैं। इस मंदिर के अंदर आप पुराने खिड़की दरवाजों को देखकर ही समझ जाएंगे कि पुराने टाइम कर बने हुए हैं। ये जो जालियाँ यूज़ की जाती थी, जैसे कि आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, कई आर्कियोलॉजिकल सर्वेज में देखा होगा, इस तरह के खिड़की दरवाजे पुराने टाइम पर यूज़ किए जाते थे। तो इस मंदिर की बनावट को देखकर आप ये ज़रूर अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये पुराने टाइम पर नंद बाबा का घर हुआ करता था। तो ये था नंदगांव और भगवान का पुराना घर। हमें काफ़ी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वैसे अब हम लोग जा रहे हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने, जो कि पूरे 21 किलोमीटर की है, जिसके बीच में कई सारे मंदिर आते हैं जहां हम दर्शन करने वाले हैं। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और देखना चाहते हैं इस गोवर्धन यात्रा को, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।